हेलो एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख रहे हैं एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का यूट्यूब कोर्स, जिसमें आज हम ज्योमेट्री में ये पार्ट फोर वीडियो है क्या पढ़ने वाले हैं। तो ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी आपके थ्योरम्स है, जिससे आपसे आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन थ्योरम्स को हम यहां पर कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से आखिरी तक देखिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्री एक वास्ट टॉपिक है और इसके चार क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। तो सारे वीडियोस, एक भी वीडियो आप मिस मत करिएगा। ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ सेक्शन को अगर आपको पूरा 25 क्वेश्चन सही करने हैं तो ज्योमेट्री को अच्छे से देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल में कराया जा रहा है। तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं जस्ट हमारे साथ जुड़कर। चलिए अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं हम यहां पर डिस्कस करेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड। तो पहला जो थ्योरम हमें सीखना है वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, कोण द्विभाजक परिमेय। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं, फिर आएंगे इसके सवालों पर। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के थ्योरम होते हैं, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पहले मैं आपको यहां इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बता देता हूं। देखिए, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, देखिए यहां से ए बी सी एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, साथ में आप देख रहे हैं कि यहां से एक लाइन जोड़ दिया गया है इस प्रकार ए डी। ये एक लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा ए डी, जो कि यहां पर इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ए डी ने क्या किया, ऊपर वाले कोण एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, कोण समद्विभाजक या फिर कोण अर्धक भी कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल बायसेक्टर। ए डी को क्या कहेंगे, एंगल बायसेक्टर, क्योंकि एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में इसने बांट दिया। ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, दोनों दोनों थीटा है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास इसका लेंथ है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे इसका लेंथ आपके पास दिया हुआ है सी, इसका लेंथ आपके पास दिया हुआ है बी। तो ये जो बी डी और यहां पर ये जो तीसरा साइड है, मतलब ये जो ए डी यहां पर तीसरे साइड को जिस दो हिस्सों में बांटेगा वो उसका अनुपात भी सी अनुपात बी में रहेगा। मतलब ये जो बी डी अनुपात डी सी है, इसका अनुपात सी अनुपात बी रहेगा। अगर यहां सी है तो ये वाला हिस्सा सी के बराबर, ये वाला हिस्सा बी है तो यहां पर इसके बी के बराबर, तो सी अनुपात बी में बटेगा। पूरा का पूरा अगर ए है इसका लेंथ, तो बी सी का लेंथ अगर ए है, तो यहां से आप ये थ्योरम लिख सकते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय सी डी। ठीक है, अब यहां पर आप इस तरीके से सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि बी डी का वैल्यू चाहिए तो ये तो रेशियो में सीखा है, अगर ये सी इज टू बी सी है, मतलब कि सी अनुपात बी है, तो आप यहां लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इंटू ए, क्योंकि टोटल ए है, तो ए सी बाय बी प्लस सी। उसी प्रकार सी डी का वैल्यू निकालना है तो सी डी निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं, सी डी निकालना है तो बी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इंटू ए, इस तरीके से आप यहां पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है भाई इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ऐसा ही एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी होता है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, कोई भी ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक्सटीरियर एंगल बनाना हम लोग सीख चुके हैं। इस लाइन को हमने सीए को आगे भेज दिया तो ये ई तक पहुंच गया, अब ये इसका एक्सटीरियर एंगल बन गया, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल बन चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर दो कोण यहां पर थीटा थीटा, मतलब कि ये जो एडी है ये क्या है, एंगल ए के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, इसको थीटा थीटा दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो आपको देखना है अगर ये सी अनुपात बी है, ये अगर सी अनुपात बी है तो यहां से यहां तक का रेशियो और यहां से यहां तक का जो रेशियो है ये भी सी अनुपात बी रहेगा। यानी कि यहां से देखिए ये सी है ये बी है, तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सी रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का बी रहेगा रेशियो। ये समझ में आ रहा है आपको, अगर यहां से इसका लेंथ और इसका लेंथ का वैल्यू सी और बी है, तो क्योंकि यहां तक का लेंथ सी था तो यहां से जो इसका एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिला इस लेंथ का रेशियो सी होगा, और यहां से इस वाले वैल्यू का यानी एसी का वैल्यू बी था, तो इस लेंथ से यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है, मतलब कि जहां पर आपका एंगल बाइसेक्टर इस सी बी को प्रोड्यूस करने पर मीट हो रहा है वहां तक का लेंथ बी के अनुपात होगा, तो सी अनुपात बी हो जाता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई। चलिए अब इन दो थ्योरम को आप अच्छे से समझिए, ए बी बाय सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी डी यहां पर भी है, और ए बी बाय सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी डी यहां पर भी है, बट फिगर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इन चीजों को आपको देख के समझ में आना चाहिए कि फिगर चेंज होने पर क्या करना है। ठीक है, तो ये तो दो थ्योरम हो गए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसके ऊपर कुछ सवाल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इस थ्योरम को हमें अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए पहला सवाल देखते हैं।
आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। एबीसी ट्रायंगल है जिसमें एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है जो कि बीसी को डी पर मीट करता है। बीसी का वैल्यू ए है, एसी का वैल्यू बी है, एबी का वैल्यू सी है, तो बीडी का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत सिंपल है भाई, यहां पर बस आपको फिगर बनाना है इस तरीके से एबीसी, और बोला गया कि एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी सच दैट जी डी जो पॉइंट है वो आपके बीसी पर लाई करता है, करेक्ट। अब आपको कुछ वैल्यूज दिए, जैसे बीसी का वैल्यू दिया हुआ ए, तो ये जो बीसी है इसका वैल्यू दिया हुआ ए, और जो आपका एसी है एसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये है बी, एसी का वैल्यू बी दिया हुआ है, और आपका एबी का वैल्यू जो दिया हुआ है सी दिया हुआ है। आपको किसका वैल्यू निकालना है, तो बीडी का वैल्यू निकालना है, ये आपका बीडी हो जाएगा, करेक्ट। अब यहां से आप समझिएगा कि बीडी अनुपात, बीडी अनुपात डीसी जो है इसका अनुपात तो सी अनुपात बी होगा, करेक्ट। यहां से अगर बीडी निकालना है तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि टोटल वैल्यू तो ए है, और हमको यह पता चल गया कि इसका और इसका अनुपात, ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात जो है ये अनुपात बी होगा, करेक्ट। अब इसमें से अगर सी निकालना है तो सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, ए सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, ये इसका सही उत्तर है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन जो है ये वाला सही है, ठीक। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा जब भी ऑप्शन चूज करते हैं, बहुत सिमिलर ऑप्शंस हैं। तो ए इंटू सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी जो है, यानी क्योंकि सी है यहाँ ए है और बी प्लस सी नीचे आ जाएगा, इस तरीके से आपका केवल बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दिया हुआ है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6, 7, 8, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द टू सेगमेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट। तो 6, 7 और 8 तीन यहां पर साइड्स आपको दे दिए गए हैं, 6, 7 और 8, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से एबीसी, जिसमें कि ये 8, 6 है, ये 7 है और ये 8। अब बोला गया एंगल बाइसेक्टर सबसे बड़े कोण का, सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक जो है वो तो बाइसेक्टर होता है, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा साइड होता है उसी के पीछे सबसे बड़ा कोण बनता है, ये हमने देखा हुआ है, है ना, ट्रायंगल्स के स्टार्टिंग वीडियो में, फर्स्ट वीडियो जो था ज्योमेट्री का पार्ट टू, उसमें हमने देखा है जो सबसे बड़ा साइड होता है उसके पीछे ही सबसे बड़ा कोण बनता है। तो सवाल ये कर रहा है सबसे बड़े कोण का बाइसेक्टर, तो सबसे बड़ा कोण ये है, इसका बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से यहां पर आएगा, ठीक है, इसको दो हिस्से में बांट देगा। तो इसमें आपको बताना है छोटे खंड की लंबाई कितनी है, तो छोटा खंड कौन सा होगा आप खुद ही बताइए। अब हम ये जानते हैं कि बीडी अनुपात डीसी जो होता है वो उसी अनुपात में रहता है जिस अनुपात में ये 6 और 7 है, तो ये 6 अनुपात 7 में होगा, पूरा का पूरा लंबाई 8 है, तो क्या आप इसमें छोटे खंड की लंबाई निकाल सकते हैं, छोटी खंड हो जाएगी बीडी। तो बीडी का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बीडी का वैल्यू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 13, और कुल वैल्यू 8 है, तो यहां पर हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 13, मतलब यहां पर सी जो है सवाल का सही उत्तर है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्रायंगल एबीसी मीट्स एसी एट डी, ए बी बराबर 10, बी सी बराबर 11 एंड ए सी बराबर 14 है, तो लेंथ ऑफ ए डी क्या है ये बताना है आपको। जहां पे डायग्राम नहीं है वहां डायग्राम बनाना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है तो इस तरीके से ट्रायंगल ए बी सी हम बना लेते हैं। अब एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो ए सी को डी पर मीट करता है, तो ये डी है, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दो बराबर हिस्सों में इस कोण को बांट रहा है बी को, और ये डी पॉइंट पर जाके मीट करता है ए सी को। आपको दिया है ए बी का वैल्यू 10 है, BC का वैल्यू 11 है और AC का वैल्यू 14 है। निकालना क्या है भाई, निकालना क्या है, AD का वैल्यू निकालना है, तो आपको भाई इसका वैल्यू निकालने को कहा गया AD का। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहां 10 यहां 11 दिख रहा है तो इन दोनों का अनुपात जो होगा 10 अनुपात 11 हो जाएगा, बराबर। अब AD का वैल्यू आपको चाहिए, तो AD का वैल्यू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 11 यानी 21 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब देखिए इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको 7 से काट सकते हैं, तो ये 3 बार कटेगा 2 बार कटेगा, 2 × 10 हो जाता है 20, 20 डिवाइडेड बाय 3 कर लिए, यही आपके एडी का वैल्यू दे देगा। तो डी जो है इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा कैसे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। खासतौर से अभी तक हमने 3 सवाल देखे, तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडी एंगल बाइसेक्टर है बीएसी का और बीसी को डी पर मीट करता है, एसी का वैल्यू दिया है, बीसी का वैल्यू दिया है, लेंथ ऑफ बीडी 2 सेंटीमीटर लेस देन सीडी है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ एबी आपसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, तो कंप्लीट करना होगा फिगर पहले, एबीसी ये एक पहला ट्रायंगल दिया हुआ है, बीएसी एंगल का द्विभाजक जो है वो आपका डी है,
एसी का लेंथ दिया हुआ था 21 और बीसी का लेंथ दिया हुआ था 12, आपको एबी का लेंथ निकालना है, ठीक है। और आपको यह दिया है कि सीडी जो है वो 2 सेंटीमीटर कम है बीडी से, मतलब सीडी कम है तो मतलब इस तरीके से कुछ बनेगा फिगर, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और 2 सेंटीमीटर कम है सीडी, लेंथ ऑफ बीडी इज टू, अच्छा ठीक है, बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर, तो थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा, बीडी की लंबाई जो है वो डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा ये फिगर। अब देखिए इस स्टेटमेंट को समझिएगा कि लेंथ ऑफ बीडी जो है 2 सेंटीमीटर कम है डीसी से। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर टोटल सम दिया है और बीडी जो है 2 सेंटीमीटर कम है तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर कम है मतलब सीडी 2 सेंटीमीटर ज्यादा होगा तो मैं क्या करूंगा, इस 12 का 2 सेंटीमीटर पहले मैं सीडी वाले हिस्से को दे देता हूं, तो अपने हाथ में कितना बचा, 10 बचा, इस 10 को 12 मतलब बराबर बराबर बांट देंगे, मतलब यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5, तो ये बन जाएगा 7, मतलब ये वाला हिस्सा कितना बन गया, 7 सेंटीमीटर बन गया, और ये वाला हिस्सा बन गया 5 सेंटीमीटर। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत है? देखिए 5 + 7 कितना हुआ, 12, बट गया 12, साथ में आप देख रहे हैं कि 5 यहां पर 7 से 2 सेंटीमीटर कम है, दोनों बातें जो है सेटिस्फाई हो गई। अब सिंपल सा थ्योरम है भाई, जब बोला गया है कि एंगल बायसेक्टर थ्योरम है, ये एंगल बायसेक्टर है तो एंगल बायसेक्टर थ्योरम भी तो लगेगा। अगर ये 5:7 है तो ए बी अनुपात ए सी भी 5:7 में ही होंगे, और 7 का वैल्यू 21 है तो यहां पर ए बी का वैल्यू 15 होगा कि नहीं। अरे भाई यहां पर 7 का 3 गुना हो रहा है तो इस 5 का भी तो 3 गुना करके 15 लिखोगे, तो ए बी का लेंथ जो है वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल। अब इस सवाल को देखते हैं, यहां पर आपको क्या निकालना है, आपको पी क्यू का मान निकालना है। इस ट्रायंगल में देखिए पी क्यू ये वाला हिस्सा है, पी क्यू जो है वो ये वाला हिस्सा है, यहां से लेकर यहां तक का इस लेंथ को, छोटी सी लेंथ को आपको निकालने को बोला गया है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पर दिया हुआ है सी डी जो है परपेंडिकुलर है एबी के, सीडी जो है परपेंडिकुलर है एबी के, और पीक्यू का लेंथ आपको निकालना है। कैसे निकाला जाए, सारी चीजें आपको यहां पर फिगर में दी हुई है। अब एएम जो है वो एएम और बीएन जो है एंगल बायसेक्टर है, दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है कि एएम जो है और एएन जो है एंगल बायसेक्टर है, मतलब ये इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांटेगा, दोनों एंगल्स को, और ये दोनों एंगल्स को यहां पर बराबर हिस्सों में बांटेगा, इसका मतलब यह है, ठीक है। चलिए यदि मुझे PQ निकालना है तो उसके लिए पहले हमें यहां पर पूरे के पूरे CD का लेंथ निकालना होगा, तभी जाकर हम यहां पर कुछ कर पाएंगे। तो कैसे निकाला जाए, देखिए मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है इसको H मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, ये मैंने आपको पिछले वाले क्लास में भी बताया था, आप या तो हीरोज फॉर्मूला से हाइट निकाल सकते हैं या आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं कि अगर ये एक्स है तो ये 8 - x होगा बराबर, इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब यहां से आप दो चीजें देखेंगे कि हाइट का स्क्वायर, क्योंकि देखिए आप यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये 90 डिग्री पर है, तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए डी सी, यहां से एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, आप कहेंगे 7 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 7² = h² + x² होता है, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर - x का स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी डी सी में आप देख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9² - ये वाला जो लेंथ है भाई ये है 8 - x, ये क्या है 8 - x, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 9² - 8 - x² ठीक है। क्या यहां से x निकल जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगा, तो देखिए 8 - x को एक तरफ ले आते हैं होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 9² - 7² को एक तरफ ले आते हैं, तो भैया कितना हो गया ये 9 + 7 जोड़ोगे 16 और 9 - 7 होता है 2, मतलब ये आ जाएगा आपका 32। इसको अगर ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए, इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर दें तो a² - b² के फॉर्मेट में है, मतलब 8² = 64 x² ठीक है माइनस ऑफ 16x, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x² कट गया, 64 - 16x बराबर 32 आ रहा है, मतलब -16x बराबर -32 हो गया, कट जाएगा ये दो बार, x का वैल्यू 2 आ गया, मतलब समझिए यहां से कि ये जो x है इसका वैल्यू कुछ और नहीं ये 2 है, और ये 8 - x जो है ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 है और ये 2 है। इससे बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है कि यहां पर रेशियोज क्या है। दूसरी बात, आप यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि आपके पास तो x का वैल्यू आ गया तो क्या आप हाइट का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, एच स्क्वायर बराबर होता है 7² - 49 - x² डालोगे तो 4 बन जाएगा, तो मतलब h का वैल्यू जो है
45 का स्क्वायर रूट है, 45 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 9 × 5 है, तो 3√5 बन जाएगा, 3√5 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो हाइट है इसको भी हमने निकाल दिया, इसके तहत जो हमने यहां पहले थ्योरम लिखा था उसके तहत, तो हाइट आ गया 3√5। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर हाइट क्या है, तो 3√5 है, ठीक। यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखिए यहां से हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे, रेशियोज को बैलेंस करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत आसानी से आप इस चीज को देखेंगे कि यहां पर जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। तो पहले हम आते इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल में, इसमें ये कोण समद्विभाजक है, तो यहां से पीसी अनुपात पीडी जो बनेगा, पीसी अनुपात पीडी जो बनेगा, ये पीसी अनुपात पीडी जो है ये इसी अनुपात में रहेगा जिस अनुपात में एसी और एडी है, जो कि है 7:2। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के तहत। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए जो कि यहां से बना हुआ है, यहां से आप जानते हैं कि ये इसका कोण समद्विभाजक है, तो मैं इस ट्रायंगल पे अब फोकस करूंगा सी डी बी। इस ट्रायंगल में अगर ये कोण समद्विभाजक है तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये यहां पर इसका कोण समद्विभाजक यहां क्यू पॉइंट पर मिल रहा है, तो बी क्यू या सी क्यू अनुपात क्यू डी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम, सी क्यू या क्यू सी अनुपात क्यू डी। इसके अनुपात की बात करें तो क्यू सी यहां पर 9 और ये 6 के अनुपात में रहेगा, 9:6 के अनुपात में रहेगा, जिसको 3 से काट दिया जाए तो 3:2 बन जाएगा, करेक्ट, 3:2, 3:2, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या है, रेशियो वाले वीडियो में हमने देखा है हमेशा उस चीज पर फोकस करिए बैलेंस करने के लिए जो चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज नहीं हो रहा है, देखिए भाई यहां पर सीडी का जो लेंथ है पूरा का पूरा हेच है वो चेंज नहीं हो रहा, केवल ये जो बिंदु है ये ऊपर नीचे हुआ, मतलब यहां से सी से लेकर डी तक का जो लेंथ है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और यहां पर सीडी का लेंथ अगर आप निकालने जाएंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पर तो 9 यूनिट कह रहा है, अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो 3+2 होता है 5, यहां 5 यूनिट कह रहा है, ये तो मतलब इम्बैलेंस्ड है, दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, 5 को इसमें और 9 को इसमें गुणा कर दूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। 5 को इसमें गुणा करने का मतलब क्या है कि ये 35 बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका 10, और 9 को इसमें गुणा करने का मतलब है कि ये बन जाएगा 27 और ये बन जाएगा आपका 18, ठीक है। चलिए अब बताइए भाई क्या हो रहा है, देखिए टोटल जो वैल्यू है वो तो बन गया 45, लेकिन डिफरेंस कहां से पता चलेगा, यहां पर देखिए पीसी और सीक्यू, पीसी और सीक्यू को माइनस कर दीजिए, पीसी 35 यूनिट है, सीक्यू यहां पर 27 यूनिट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा पीसी का और सीक्यू का यही हमको दे देगा पीक्यू का वैल्यू। तो जब पीक्यू की वैल्यू निकालनी है तो वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 35 और इसका जो कि 8 यूनिट है, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू है 45 मल्टीप्लाइड बाय हम देख रहे हैं यहां पर 3√5 दिया हुआ है। तो बताइए भाई आंसर कौन सा होगा, ठीक है, ऑप्शन देखकर यही समझ में आ रहा है 8 वाला पहला ऑप्शन होना चाहिए, 3 से काटोगे तो 15 बार हो गया, 15 में 3×5 है तो 3 तो यहां कटेगा नहीं, लेकिन 5 जो है इससे कट जाएगा √5 बार, मतलब 8/3√5 वाला जो ऑप्शन ए है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर समझ में आ गया इस सवाल को, बहुत सिंपल सवाल है, बस यहां देखने का नजरिया होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर को हम किस तरीके से यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख आगे बढ़ते अब यहां दिया हुआ है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी ए बी इज इक्वल टू 20, बी सी इज इक्वल टू 15, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी मीट इज एक्सटेंडेड टू मीट्स द एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ सी बी एट डी एंड फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। तो देखिए यहां पर एक एंगल दिया हुआ है एंगल बी जो कि 90 डिग्री का है, ये आपका एंगल बी है जो कि 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब यहां से आपको दिया हुआ है ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू दिया हुआ है भाई 15 सेंटीमीटर, ये 20 है ये 15 है। और अब बताइए क्या करना है, यहां पर आपको निकालना है कि एक BAC जो एंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको, BAC एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हमें बनाना होगा, तो पहले तो आपको इसे एक्सटेंड करना होगा इस तरीके से, ये हो गया भाई BAC का एक्सटीरियर एंगल, इसका बाइसेक्टर जो होगा उसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इस तरीके से इसका बाइसेक्टर बनेगा, ठीक, जो कि BC को एक्सटेंड करने पर, ये BC CB को एक्सटेंड करने पर, CB बोला है ना, तो ध्यान रखिएगा C से B के डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है, ये भी बहुत मायने रखती है बात कि आप यहां से C से B की ओर एक्सटेंड करेंगे ना कि B से C की ओर, तो C से B को इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे यहां पर जाके मीट करेगा,
तो ज्योमेट्री में भी जब टर्नस दिया हुआ है उसको समझिए, सी से बी मतलब सी से बी से इस तरीके से आपको इसको एक्सटेंड करेंगे, ना कि बी से सी को उस तरह, ठीक है। तो इसको बढ़ाने पर पॉइंट डी पर मिलता है, आपको बीडी का लंबाई चाहिए। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, देखने का नजरिया होना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका 15 है, ये आपका 20 है। 15 और 20 का अगर मैं रेशियो लूं तो आप सब जानते हैं ये 5 से कटेगा 3 बार और ये 4 बार, और 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हमने देखा 3 4 5 ट्रिपलेट है, सब वैल्यूज 5 गुणे हो रहे हैं, तो जो हाइपोटन्यूज है वो भी 5 गुणे होगा, मतलब ये 25 यूनिट हो जाएगा, मतलब जो एसी है इसका वैल्यू 25 यूनिट होगा। यहां तक समझ में आ गया? ट्रिपलेट्स को मैंने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में कवर करके रखा था, तो वहीं से मैंने ये चीजों को यहां पर लिखा है कि ये 25 यूनिट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब डायरेक्टली हम क्या यूज करेंगे? एंगल बायसेक्टर थ्योरम। एंगल बायसेक्टर थ्योरम कहता है कि ए बी अनुपात ए सी जो होगा, ए बी बाय ए सी जो होता है, यही अनुपात हो जाता है बी डी बाय सी डी का, बी डी बाय सी डी का। इस चीज का भरपूर यूज करेंगे। तो ए बी क्या है भाई? 20 है। ए सी क्या है? 25 है। और इन दोनों का अनुपात की बात करूं तो 4:5 है, मतलब कि कहां से कहां तक का अनुपात हम कह रहे हैं, ये बी से डी तक का अनुपात यदि 4 है तो सी से डी तक का जो अनुपात है ये 5 है। इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 1 यूनिट का आया, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट होगा, और इसका वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। आपसे बीडी का लंबाई पूछ रहा था, तो बीडी की लंबाई ये है, ठीक। तो अगर 1 यूनिट बराबर 15 है तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 15 × 4, जो कि हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 60 इस सवाल का सही उत्तर है, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ गई होगी आपको मेरी बातें? तो एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर का यह पहला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेंगे एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर के ऊपर। ये सवाल को देखिए, ठीक है, यहां पर आपको चूज द करेक्ट वन दिया हुआ है, तो बाकी चीजें जो है वो आपको यहां पर डायरेक्टली फिगर से समझनी होगी। देखिए, इस फिगर को देखा जाए तो यहां पर ये एंगल और इस एंगल दोनों इक्वल है, मतलब ये जो बीसी है ये पूरे के पूरे इस एंगल का बायसेक्टर है। और ये एंगल है क्या? ये एक्चुअली ट्रायंगल एबीई में एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर है बीसी, किसका? ए बी ई का, जो कि इस ट्रायंगल से बना हुआ है। दूसरी बात, यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर बीटा है, ये बीटा है, और यहां पर ये जो है इस एंगल का बायसेक्टर हो गया। अब ये एंगल है क्या? क्योंकि ये जो एंगल है इस लाइन द्वारा दो बराबर हिस्सों में बट रहा है। तो इस एंगल की मैं बात करूं तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है सी डी ई, ये ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है सी डी ई, इसका एक्सटीरियर एंगल का बायसेक्टर है, मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल्स में एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर आपको दिए हुए हैं। साथ में अगर आप यहां ऑप्शंस चेक करें तो ए बी सी डी के टर्म्स में कुछ चीजें दी हुई है, तो ए बी सी डी है कहां पे, पहले उसको भी फिगर आउट कर लेते हैं। ए कहां है भाई? तो ए यहां लिखा हुआ है, मतलब ये लेंथ ए है। बी कहां है? यहां लिखा हुआ है, तो ये लेंथ बी है। सी कहां है? तो ये लेंथ सी है। और डी कहां है? तो ये लेंथ डी है। सवाल समझ में आ गया? अब एक बार खुद से ट्राई भी करिएगा, मैं यहां अभी आप लोग को सॉल्यूशन बता देता हूं कि क्या इनमें से सही होगा। देखिए भाई, दोनों ट्रायंगल में मुझे जो चीज कॉमन दिखाई दे रही है कि अगर ये ट्रायंगल अलग है ये ट्रायंगल अलग है, तो मुझे जो चीज कॉमन दिखाई दे रही है वो ये वाली लाइन दिखाई दे रही है एसी। तो हमें दोनों ट्रायंगल्स को इस लाइन के तहत दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा और एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर थ्योरम यूज करना होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर थ्योरम से ही आप इसको यहां तक पहुंच पाएंगे, ठीक। तो पहले वाले ट्रायंगल में यदि मैं एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर यूज करूं तो यहां ए और बी है, ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर है, तो मैं यहां पर ए बाय बी की बात करता हूं, पहले ए बाय बी की बात करता हूं, तो ए ये है बी ये है, तो एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर थ्योरम के हिसाब से ये सी ए बाय ई सी हो जाएगा। क्या होगा? सी ए बाय ई सी होगा। यहां तक आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहां पर मैं बात करूंगा डी बाय सी की, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर है, तो आप लिख सकते हैं डी बाय सी का जो वैल्यू है, डी बाय सी का जो वैल्यू है वो यहां से इस पॉइंट पर जाकर मिल रहा है, तो डी यहां पर था, इस पॉइंट पर मिला था, तो यह बन जाएगा सी ए डिवाइडेड बाय ई ए, ठीक है, सी ए डिवाइडेड बाय ई ए। कैसे इन दोनों को कनेक्ट किया जाए? देखिए भाई, यहां पर मुझे ईए दिखाई दे रहा है, यहां पे मुझे ईसी दिखाई दे रहा है, तो ईए क्या है और ईसी क्या है? ईए है यहां से लेकर यहां तक का लेंथ, और सीई है यहां से लेकर यहां तक का लेंथ, और तीसरा लेंथ जो है वो है सीए, और सीए है यहां से लेकर यहां तक का लेंथ। तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोग जानते हैं कि जो ईसी का लेंथ है प्लस सीए का लेंथ है, तो ईए का लेंथ
प्लस ईसी का जो लेंथ है यही तो सीए के लेंथ के बराबर होगा। इसी चीज का हमें फायदा उठाना है, इसी चीज का हमें फायदा उठाना है। कैसे? अगर मैं इसको उलट दूं, इसको उलट दूं तो क्या मिलेगा, ईसी बाय सीए मिलेगा, और इसे भी उलट दूं तो क्या आ जाएगा, ईए बाय सीए मिलेगा। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो वन होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि भाई जब आप ईसी बाय सीए और ईए बाय सीए को जोड़ोगे तो वैल्यू क्या बनेगा, यहां पर एलसीएम बन जाएगा सीए का, और ऊपर यहां पर आ जाएगा ईसी प्लस ईए, और ईसी प्लस ईए कुछ और नहीं है, सीए ही है। तो ये सीए जो है यहां पर आ जाएगा और सीए सीए कट जाएगा, यहां पर एक्चुअली वन बन रहा है। तो ईसी बाय सीए क्या है, ईसी बाय सीए है बी बाय ए, इसके जगह मैं लिख लेता हूं बी बाय ए, और ईए बाय सीए क्या है, तो यहां पर सी बाय डी है, तो यहां पर सी बाय डी लिख लेते हैं, ठीक है। तो बी बाय ए प्लस सी बाय डी इज इक्वल टू वन, यही हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो यहां पर कोई ऑप्शन है जिसमें ऐसा है, बी बाय ए प्लस सी बाय डी इज इक्वल टू वन, ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गई बातें? तो इस तरीके से हम एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर थ्योरम और इंटीरियर एंगल बायसेक्टर थ्योरम, इसको याद रखिए, इसके ऊपर सवाल बनाने के तरीके अनेकों हैं, ठीक है। तो बस थ्योरम हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। चलिए अब हम आएंगे स्टुअर्ट थ्योरम में, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एसएससी के पर्सपेक्टिव से, और इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते बट इसके रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले मैं आपको स्टुअर्ट थ्योरम बता देता हूं, स्टुअर्ट प्रमेय क्या है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको भी हम याद रखेंगे, ठीक है। तो समझते हैं यहां पर है क्या स्टुअर्ट थ्योरम, ठीक है। चलिए तो स्टुअर्ट थ्योरम में यह समझना है हमें कि देखिए भाई, कोई भी ट्रायंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल, किसी भी तरीके का ट्रायंगल आप बना लीजिए, मोटा हो, छोटा हो, पतला हो, ठीक है, इसमें तीन साइड तो होते हैं। अब किसी भी एक साइड से जब आप दूसरे साइड पर इस तरीके से इसे जोड़ देते हैं, एक लाइन जरिए इसको जब हम जोड़ देते हैं, इस तरीके से जोड़ दिया हमने, ठीक है, तो ये जो लाइन है, जो सीडी लाइन है, इसको हम, इसका एक नाम होता है, इसका नाम क्या है, तो इसी को हम कहते हैं सीवियन, इसको क्या कहते हैं, हम सीवियन कहते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए कि यहां पर ये जो डी पर जाके मुड़ा, हम लोग ये अभी तक तो समझ ही चुके हैं, ए बी सी ट्रायंगल में ए के पीछे वाले साइड को ए कहते हैं, बी के पीछे वाले साइड को स्मॉल बी, सी के पीछे वाले साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं ये जो सीवियन बना, इसका जो लंबाई है ये एक्स है, और ये जहां पर जाके इस तीसरे साइड को कट किया डी पर, वहां से इसका लेंथ एम है, इसका लेंथ एन है, ये रेशियो नहीं है, रेशियो पिछले वाले जो थ्योरम था वहां पे था, यहां पर एम है, ये एन है, एम प्लस एन इज इक्वल टू सी होगा, ठीक है, ये रेशियो नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसके तहत आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर एन मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। तो आपको मैं याद कैसे रखना है इसके बारे में भी बता देता हूं, ए स्क्वायर लोगे तो ए स्क्वायर के साथ में ये वाला एन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, बी स्क्वायर लोगे तो बी स्क्वायर के साथ में ये वाला एम आ जाएगा, देख रहे हैं यहां पर, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर मिडिल वाले को लोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ पूरा का पूरा लेंथ आएगा, जब बीच वाले वैल्यू को लेंगे एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा सी, ठीक, प्लस अब आखिर में एक बार तीनों को मल्टीप्लाई कर देना एम एन सी प्लस करके, ये है भाई थ्योरम। अब इस थ्योरम में कुछ चीजें, सबसे पहली बात, स्पेशल केसेस होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, जब आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात होती है तो यहां पर आपको समझना होगा कि ए बराबर बी हो जाता है, क्या हो जाता है, ए बराबर बी हो जाता है, करेक्ट, ये ए और बी जो है इक्वल हो जाते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की जब बात हो रही है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ऐसे कंडीशन में ये जो बी स्क्वायर है ये भी ए बन जाता है। और जब आप यहां पर इस रिजल्ट को डाल देंगे कि बी की जगह ए हो, तो रिजल्ट ऐसा निकल जाता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर, इसकी लंबाई जो है, अगर कहीं पर भी जाके मिला आपके पास, ये दोनों लंबाई है, इसकी लंबाई है, तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन हो जाएगा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट बना के रखिएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर होता है ए बी माइनस एम एन, कब, जब ये सी डी एंगल बायसेक्टर बन जाए। देखिए इस सीवीएन को बनने के तो बहुत सारे तरीके हैं, एंगल बायसेक्टर भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, ऑल्टीट्यूड भी हो सकता है, लेकिन जब एक स्पेशल केस में सीवीएन बन जाए एंगल बायसेक्टर, एंगल बायसेक्टर क्या है वो मैंने अभी आपको इसी वीडियो में समझाया है, उसके ऊपर कुछ थ्योरम भी देखे, तो अगर ये सीवीएन जो है वो एंगल बायसेक्टर बन जाता है, उस कंडीशन में आपको पता है a बाय बी बराबर m बाय n होगा, a इज टू b जो है वो m इज टू n होता है, a बाय बी जो है वो m बाय n होता है, इसको अगर आप यूज कर लेंगे तो डायरेक्टली इस
इसमें अगर सब्सिट्यूट कर देंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस एम एन। तो उस केस में ये जो एक्स स्क्वायर है इसका वैल्यू हो जाएगा ए बी माइनस ऑफ एम एन, इसका भी आप नोट बना के रखिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये थ्योरम आया तो कैसे आया, तो उसके लिए पिछले वीडियो में मैं आपको बस बता देता हूं कि इसको प्रूफ कैसे करना है, आप लोग खुद से प्रूफ कर लेना। देखिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों सप्लीमेंट्री है, मतलब एक थीटा तो दूसरा 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब एक बीडीसी है तो सीडीए जो होगा 180 डिग्री माइनस बीडीए होगा। और आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है कॉस माइनस ऑफ कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन जब आप 180 डिग्री माइनस थीटा में कन्वर्ट करो तो कॉस फंक्शन कॉस में होगा, लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो ये माइनस हो जाता है, इसलिए यहां पर इस तरीके का साइन आता है। तो कॉस बीडीसी बराबर माइनस ऑफ कॉस सीडीए होना चाहिए, ये आप जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने कोसाइन रूल पढ़ा है, तो कॉस बीडीए इस लाइन में आप मतलब इस ट्रायंगल में सीबीडी में एक बार कोसाइन रूल लगा रही है कॉस सीडीबी के लिए, ठीक है बीडीसी के लिए, और साथ में एक बार कॉस सीडीए इस पर भी आप एक बार कोसाइन रूल लगाइए इस ट्रायंगल एडीसी में, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा जो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। बट उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप रिजल्ट को याद रखिए, हमें प्रूफ नहीं करना है, हम एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो डायरेक्टली आप इस रिजल्ट को याद रखिए। कैसे रिजल्ट याद रखना है मैंने ये भी आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है। इस फिगर में दिया हुआ है कि ए बी और ए सी दोनों 8 और 8 है, बी सी जो है वो 11 है। बी सी मतलब कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, हम लोग को यहां से यहां तक जाना, बी सी का मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ है 11 है, और साथ में बीडी का वैल्यू 7 है, तो एडी का वैल्यू क्या है। तो देखिए अगर ये 11 है तो 4 होना चाहिए ना ये वाला वैल्यू, ये हिडन इन्फॉर्मेशन है। और हमने ये देखा है स्टुअर्ट थ्योरम से कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो एडी का स्क्वायर बराबर होता है ये वाला एबी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम हो गए तो आप क्या करोगे 8 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4, और ये आपके प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 64 माइनस 28, ठीक है ये हो गया एडी स्क्वायर का वैल्यू, तो इसका मतलब 36 हो गया इसका वैल्यू, तो एडी का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो कि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ए इस सवाल का सही उत्तर होगा, आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आएगा, स्टुअर्ट थ्योरम को कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 17, तो यहां एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है हमें, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 17 दिया, ए बी बराबर AC बराबर 17, चलिए ठीक है ये 17 ये भी 17। BCD पर एक बिंदु है, BC जो है यानी BC पर D एक बिंदु है, such that AD का वैल्यू 15 है, CD का वैल्यू इस तरीके से है कि यहां पर एक पॉइंट है D, CD का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और AD का वैल्यू जो है 15 सेंटीमीटर है, आपको BD का वैल्यू चाहिए, तो सिंपल है ना भाई। तो क्या पता है हमें AD का स्क्वायर जो होता है ये होता है AC का स्क्वायर माइनस BD इंटू CD, ये हमें पता है। तो 15 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर बराबर, अच्छा माइनस 15 स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर माइनस ऑफ बीडी का वैल्यू हमें निकालना है, सीडी का वैल्यू 4 है, तो अगर मैं 4 बीडी लिखूं यहां पर तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर करोगे तो यहां 8 का स्क्वायर ही तो आएगा, 8 का स्क्वायर मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है तो 4 इसको काटेगा दो बार, तो BD का वैल्यू क्या हो गया, तो BD का वैल्यू हो गया 16, 16, ठीक है तो इसका लेंथ 16 आएगा, तो इसमें बी जो है सवाल का सही उत्तर है, आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहां पर दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है अ ट्रायंगल इज गिवन ABC is an isosceles triangle in which angle DAC is equal to 90 degree. तो ABC isosceles triangle है और ADC जो है इसमें 90 degree है, DAC 90 degree है, AB बराबर AC है। तो देखिए isosceles triangle में ये जो AB है बराबर AC है और ये 90 degree बना दिया यहां पर। BD का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो BD का वैल्यू यहां पर 5 ले लेते हैं और CD का वैल्यू जो है ये 12 दिया हुआ है तो CD का वैल्यू यहां पर हम 12 ले लेते हैं, ठीक है चलिए हिंदी में शायद टाइपिंग एरर है, सीडी बराबर 12 दिया हुआ है इसको नोट डाउन कर लेना, यहां पर सीडी बराबर 12 होगा, ठीक है सीडी बराबर 12 होगा, यहां तक क्लियर। अब निकालना क्या है भाई, एडी का वैल्यू निकालना है, तो एडी का वैल्यू मान लेते हैं एक्स, एडी का वैल्यू मान लेते हैं एक्स, जो फाइंड करना है उसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है
यहां तक सहमत है आप लोग मेरी बातों से? ठीक है, अब इस एसी का वैल्यू मैं ले लेता हूं वाई, तो ऑटोमेटिकली ये जो ए बी है ये भी वाई हो जाएगा। सबसे पहली बात हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा है, और राइट एंगल ट्रायंगल यहां सी ए डी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगा। ये अगर 12 है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये सी डी जो है ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 स्क्वायर के। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे क्योंकि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगा। साथ में क्योंकि एक सीवेन है और सीवेन एक्स स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है वाई स्क्वायर माइनस 5 × 12 माइनस 5 × 12 मतलब माइनस का 60, ठीक, माइनस का 60 करेक्ट है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इन दोनों को जोड़ने पर यहां पर एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर कर जाएगा। देखिए भाई मुझे ना x का वैल्यू चाहिए तो इसलिए मैं यहां पर इसे जोड़ रहा हूं, क्योंकि x का वैल्यू निकालना था तो क्या करेंगे y को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो इक्वल टू के इस तरफ वाला वैल्यू इक्वल टू के इस तरफ वैल्यू को हम जोड़ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन गया, वाई स्क्वायर यहां था, वाई स्क्वायर वहां था, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये तो है भाई 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 144 माइनस का 60, तो यहां पर 84 आ जाएगा, दो से काटोगे इसको तो 42 बन जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 42, स्क्वायर रूट ऑफ 42। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ना ये है सही, ना ये है सही, ना ये है सही, तो 6.5 अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू ये होगा, तो अप्रोक्सीमेट यहां पर जो है इसका वैल्यू जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ये दोनों के बीच में है 42, तो 42 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 42 का वैल्यू हो जाता है 6 प्लस अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस जो कि 13 है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6.5 के आसपास आएगा, तो यहां पर सी जो है सवाल का सही उत्तर है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एबी बराबर 16 है, तो यहां पर एबी जो है 16 दिया हुआ है आपको। दूसरा दिया हुआ है AC बराबर 12, तो AC बराबर 12 ये भी दिया हुआ है। BC का वैल्यू 21 है, तो BC का वैल्यू ये हो गया भाई 21, करेक्ट। अब आपको बताना है यहां AD का वैल्यू क्या है। देखिए भाई सबसे पहली बात तो AD कोण समद्विभाजक है, AD क्या है, एंगल बायसेक्टर, तो पहले तो हम एंगल बायसेक्टर थ्योरम के तहत ये निकाल सकते हैं कि BD और CD का वैल्यू क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां BD अनुपात CD कुछ और नहीं है, BD अनुपात CD वही होगा क्योंकि ये एंगल बायसेक्टर है। एंगल बायसेक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिस अनुपात में एबीएसी होगा उसी अनुपात में बीडीडीसी होगा, तो 16:12 में कटेगा, 4 से काटो तो 4:3 में हो गया, मतलब ये हो गया 4:3 बराबर। तो बीडी का वैल्यू कितना होगा, सिंपल सी बात है, बीडी का वैल्यू हो जाएगा 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 21 और सीडी का वैल्यू हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 21। ये हम भली भांति जानते हैं, रेशियो में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। 7 इसको 3 बार काटेगा तो 9 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका वैल्यू 9 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू 12 आ जाएगा क्योंकि टोटल वैल्यू जो है वो 21 है, तो 21 में से 9 गया तो बचा 12, ठीक। तो अब यहां से आप स्टुअर्ट थ्योरम के तहत एडी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता के रखा है एंगल बायसेक्टर जब होता है एडी, उस केस में एडी स्क्वायर जो होता है, एडी स्क्वायर को निकालने का डायरेक्ट तरीका है कि आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 12 माइनस 12 × 9 कर लीजिए। अब देखिए इसको भी कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर लेते हैं, 12 कॉमन दिखाई दिया मुझे तो मैंने 12 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर 16 − 9 अलग से ले लिया, तो 16 − 9 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक। तो 12 × 7 होता है 84, ये है एडी का वैल्यू, एडी स्क्वायर का वैल्यू, तो एडी का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 84, क्योंकि एडी का स्क्वायर का था 84, तो एडी का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 84। यहां तक क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सीखना है एपोलोनियस थ्योरम। एपोलोनियस थ्योरम जो है वो आपके मीडियन से रिलेटेड होता है। मीडियन क्या होता है, ठीक है, मीडियन यानी एक ऐसा सीवियन जो आपके ऑपोजिट साइड्स को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, माध्यिका, माध्यिका। तो देखिए यहां से अगर मैं बात करूं इस एडी की, तो एडी क्या है, यहां पर बराबर बराबर हिस्से में बीडी को बांटेगा और सीडी को बांटेगा, तो बीडी बराबर सीडी बराबर अगर बीसी बाय 2 हो गया, ऐसे कंडीशन में हम एडी को क्या कहते हैं, एडी को कहते हैं मीडियन। एडी को क्या कहते हैं, मीडियन।
मीडियन क्या है समझ में आ गया, सीवियन का एक स्पेशल कंडीशन जब सीवियन जो है वो ऑपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटे तो इसी को हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, तो इस मीडियन के तहत आप कुछ थ्योरम को याद रखेंगे जिसका नाम है एपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, और ये एपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है इसको समझिए। डी जो है मिड पॉइंट है ऑफ बीसी, मध्य बिंदु है डी, तो हम कहेंगे एडी मीडियन है, माध्यिका है। तो ऐसे तीन माध्यिका होते हैं, तीनों माध्यिकाओं पर आप इस थ्योरम को लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं एक ही माध्यिका पे लगे, तीनों के तीनों मतलब ट्रायंगल के तीनों माध्यिका है, तीनों माध्यिका पर इस थ्योरम को लगा सकते हैं। मैं पहले एक माध्यिका पे इस थ्योरम को लगा के बताता हूं, ऑटोमेटिकली कोई भी माध्यिका हो कोई भी मीडियन हो उस पर कैसे इस थ्योरम को लगाना है वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहां एबीसी एक ट्रायंगल बनाया है, बीडी और सीडी इक्वल है, तो डी मिड पॉइंट बन गया, तो एडी क्या कहलाएगा, एडी कहलाएगा मीडियन, बीडी बराबर सीडी है और बराबर है बीसी बाय टू। ठीक, तो यहां से आपको देखना है कि अगर आप इस सीवियन के ऊपर, इस सीवियन के ऊपर जब आप इस एपोलोनियस थ्योरम को लगाएंगे एडी के ऊपर, तो एडी से निकले हुए दो साइड कौन कौन से, एबी और एसी है, तो एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर लेंगे आप, क्या लेंगे, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर आप लेंगे, साथ में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट के अंदर पहले लिखेंगे एडी का स्क्वायर और उसके बाद आप या तो बीडी का स्क्वायर लिख लीजिए या सीडी का स्क्वायर लिख लीजिए, एडिशन में बात एक ही है क्योंकि बीडी जो है और सीडी जो है इक्वल, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि तीसरे वाले साइड का आधा का स्क्वायर, तो बीडी क्या है एक्चुअली बीसी के आधे का स्क्वायर है, तो एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, इस तरीके से आपको यह थ्योरम याद करना। तो कभी भी कोई भी ट्रायंगल बना दिया गया, जैसे ही आपने देखा कि यहां मीडियन खींचा हुआ है तो तुरंत एपोलोनियस थ्योरम को एक बार याद जरूर कर लेना, समझना कि जो वैल्यूज दिए हुए हैं क्या वो हमें यहां पर एपोलोनियस थ्योरम से जो फाइंड करने को कहा गया वो हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये समझना, उस थ्योरम को लगाना जरूर अगर एपोलोनियस थ्योरम से बन रहा होगा सवाल। तो चलिए एक दो सवाल मैं यहां पर ले लेता हूं इस थ्योरम के तहत। पहला सवाल यहां आपके स्क्रीन के ऊपर, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए सी जो है 8 सेंटीमीटर है, बी सी 9 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी दिया हुआ है। तो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है ए बी सी, सच दैट ए बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। अब ए डी मीडियन बोला तो ए डी यहां पर जाके मिलेगा, तो सिंपल सी बात है कि जो बी डी का लेंथ होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा 9 है तो बी डी का लेंथ 9/2 हो जाएगा। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो अब एपोलोनियस थ्योरम लगाना है एडी के अबाउट, तो मैंने कहा आप दोनों साइड का स्क्वायर पहले लेंगे, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अब एडी का स्क्वायर आएगा प्लस, या तो आप बीडी का स्क्वायर ले लीजिए या सीडी का स्क्वायर ले लीजिए क्योंकि दोनों इक्वल है और दोनों का वैल्यू 9/2 आएगा, तो मैं यहां बीडी का स्क्वायर डिवाइडेड इस तरीके से लिख सकता है इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें वैल्यूज डाल दीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ये तो 100 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ये तो 100 हो गया, एडी का स्क्वायर तो हमें फाइंड ही करना है, बीडी का मतलब 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 100 हो गया भाई, इसके जगह मैं लिख लेता हूं 100। ठीक है, 100, और ये जो 100 है इस 2 से कट जाएगा 50 बार, तो एडी का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा 50 माइनस 81/4। 81/4 समझ में आया भाई, 9/2 को दूसरे तरफ भेजोगे तो 9/2 का होल स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो दूसरे तरफ जाएगा माइनस होगा। क्लियर, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 200 माइनस 81/4 होगा, 200 से माइनस करने पर ये जो वैल्यू है बन जाएगा 119/4। ये है भाई एडी के स्क्वायर का वैल्यू, क्या है ये एडी के स्क्वायर का वैल्यू 119/4, तो एडी का वैल्यू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लेना होगा और इसका स्क्वायर रूट लेने पर आंसर आ जाएगा। तो कौन सा उत्तर सही है, ये वाला सही होगा, बी वाला, क्योंकि 119 तो भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 बाहर निकल जाएगा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 119/2। ये है भाई एडी का लेंथ, यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी वह एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल एसी जो है इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स बाय बीडी, इट इज ऑल्सो गिवन दैट एबी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सीडी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एसी इज इक्वल टू 14, AD is equal to 8 सेंटीमीटर, then find the length of BD। तो देखिए यहां पर जो है एक क्वाड्रिलेटरल के विकर्ण की लंबाई निकालने को कहा गया है, जब तक डायग्राम नहीं बनेगा तब तक पिक्चर समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या फाइंड करना है और क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाइए, ठीक है, तो एक तरीके से हम यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ए बी सी डी बना दिया, इसमें वैल्यूज जो दिया हुआ है ए बी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर,
ठीक है, सीडी का वैल्यू कितना है 10 है, एसी का वैल्यू है 14, तो एसी तो अब डायगोनल हो गया, इसका वैल्यू 14 दिया हुआ है, और बोला है कि बीडी की लंबाई और डीए का वैल्यू है 8। दूसरी बात कह रहा है कि बीडी की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है, और एक और बात यह दिया है विकर्ण एसी जो है दो बराबर हिस्सों में कौन बांटता है, बीडी, बीडी जो है बीडी को जैसे आप जोड़ोगे तो यहां पर विकर्ण एसी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल है। यहां तक समझ में आ रही बात है? और सीधा सीधा एसी का लेंथ तो आपको दिया ही हुआ है सवाल में, एसी का लेंथ कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो यहां से अगर मैं इस पॉइंट को ए ले लूं तो एओ का लेंथ भी 7 होगा, साथ में ये जो ओसी का लेंथ है इसका लेंथ भी 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब देखिए मुझे यहां पर जो फाइंड करना है इस सवाल में वो बीडी का लंबाई है। इस बीडी को हम तोड़ लेते हैं दो हिस्सों में, ठीक है, ओडी प्लस ओबी, ओडी प्लस ओबी इसलिए क्योंकि एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा ए डी सी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में डीओ जो है एसी को के मध्य में जाके जुड़ा हुआ है, मतलब डीओ जो है एक मीडियन के जैसा काम कर रहा है, बीओ जो है ये भी इस ट्रायंगल एबीसी के मीडियन के जैसा काम कर रहा है। तो अभी पिछला जो सवाल देखा उसमें हमने मीडियन की लंबाई ही तो निकाली थी एपोलियनस थ्योरम के तहत, तो यहां आप दोनों ट्रायंगल में एपोलियनस थ्योरम लगाएंगे तो एक बार डीओ निकल जाएगा एक बार बीओ निकल जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो पहले एक बार हम चलिए एबीसी ट्रायंगल में एपोलियनस थ्योरम लगाते हैं तो ओबी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा चीजों को, बीओ के अबाउट लगा रहे हो तो 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लिखोगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय बीओ का स्क्वायर या ओबी का स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है, और इसके साथ आपका 7 का स्क्वायर भी आएगा तो इसको लिखना मत भूलिएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों को जोड़ने पर 208 बन रहा है, तो 208 का आधा करना होगा क्योंकि यहां 2 छुपा हुआ है, 208 का आधा होता है 104, ठीक है, तो यहां से बीओ का वैल्यू तुरंत आ जाएगा क्योंकि बीओ वैल्यू हो जाएगा, बीओ का स्क्वायर हो जाएगा 104 माइनस 7 का स्क्वायर जो दूसरी तरफ जाएगा 49, तो ये होता है 55, कितना हो गया 55, 55, और ये बीओ का स्क्वायर है तो बीओ बराबर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब रूट 55 कहाँ है, यहां पर है, यहां पर है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, आप दो में फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीओ का वैल्यू आ गया, ओडी का वैल्यू बस डिटरमाइन करना होगा हमको, तो ओडी के लिए आपको इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट चीजों को लिखूंगा, डीओ जो है इस मीडियन यहां से निकला हुआ है, इस पॉइंट से निकला है, तो इस पॉइंट से निकले दो साइड है एसी और डीए, सॉरी एडी और डीसी, तो एडी है 8 स्क्वायर और डीसी है 10 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 2 इंटू ओडी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, बराबर, तो हो जाएगा 100 प्लस 64, मतलब कितना 164, दो से इसको काटोगे तो बनेगा 82, ठीक है। अब आपको यहां पर ओडी स्क्वायर ही तो निकालना है, ओडी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओडी का स्क्वायर हो जाएगा 82 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 माइनस करने पर ये कितना आ रहा है 33 बन रहा है, तो यहाँ 33 आ जाएगा, और क्योंकि ओडी का स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ओडी का वैल्यू स्क्वायर रूट 33, बीओ का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 55, मतलब ए जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां से आपको समझना होगा चीज, क्लियर, यहां तक बातें समझ में आ गई? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है, देयर आर टू पॉइंट्स डी एंड ई ऑन हाइपोटेन्यूज सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन दैट बी डी इज इक्वल टू 8 बी इज इक्वल टू 7, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले तो सबसे पहली बात यहाँ पे डायग्राम नहीं है तो डायग्राम बनाना अनिवार्य होता है। एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी जो है ये आपका 90 डिग्री है, तो कुछ इस तरीके से आपका एंगल बी बना लेते हैं जो कि 90 डिग्री, ठीक है, तो हमने यहां पर ए बी सी ट्रायंगल बना लिया और बोल रहा है कर्ण एसी पर डी और ई दो बिंदु इस प्रकार है कि एडी बराबर डीई बराबर ईसी, मतलब देखिए ये डी और ई जो है एसी को तीन बराबर हिस्सों में बांटेगा, जितना लेंथ एडी का है उतना ही लेंथ डीई का है उतना ही लेंथ ईसी का है, तो ये बराबर ये बराबर ये हो जाएगा, तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे। यहां तक मेरी बातों से सहमत होंगे आप लोग? अब यहां से दिया हुआ है बीडी का जो लेंथ है, यहां बीडी का जो लेंथ है इसका वैल्यू 8 दिया हुआ है, और ये जो बीसी बीई का लेंथ है इसका वैल्यू 7 दिया हुआ है। आपको निकालना है भाई एसी का वैल्यू, आपको क्या निकालना है एसी का वैल्यू, तो देखिए यहां क्योंकि मैंने यहां एपोलियनस थ्योरम पहले डिस्कस किया और फिर इस क्वेश्चन को मैं सीक्वेंस वाइज अरेंज करा रहा हूं तो आपका दिमाग दौड़ेगा एपोलियनस थ्योरम के लिए,
लेकिन एग्जाम में ऐसा सवाल बोल के नहीं आता कि भाई यहाँ एपोलोनियस थ्योरम लगाना है, यहाँ एंगल बायसेक्टर थ्योरम लगाना है। वो प्रैक्टिस से जनरेट होगा कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों पर आपका दिमाग दौड़ना चालू होगा कि यहाँ पर एपोलोनियस थ्योरम से बन सकता है, इस तरीके के सवाल। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं यहां पर इसको परपेंडिकुलर कहता हूं, इसको बेस कहता हूं, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, जिसको हमें फाइंड करना है। मतलब हमारा एम है एच फाइंड करना। साथ में ये तीनों इक्वल हो गए तो जो छोटे छोटे तीनों पार्ट है इसका वैल्यू भी एच बाय थ्री होगा, इसका जो लेंथ है ये भी एच बाय थ्री होगा, इसका जो लेंथ है ये भी एच बाय थ्री होगा। बराबर, यहां तक आप मेरी बातों से सहमत है। पहली, सबसे पहली बात, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमें पता है वो क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है। तो आप डायरेक्टली लिख लेना पी का स्क्वायर जो है प्लस बी का स्क्वायर जो है वो हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्लियर, ये चीज तो हमेशा यूज होता ही है राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी तरह का राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना होगा दो ट्रायंगल्स आपको ऐसे चूज करने होंगे जहां पर आप एपोलोनियस थ्योरम लगा सके। देखिए सबसे पहली बात, ये जो बीडी लंबाई है, बीडी जो है इस ट्रायंगल ए बी ई के मिड पॉइंट पे जाकर मिल रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं बीडी जो है ट्रायंगल ए बी ई का मीडियन है। इस मीडियन के अबाउट एपोलोनियस थ्योरम लगा लेते हैं एक बार, तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस सात का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस सात का स्क्वायर बराबर यहां से आ जाएगा बीडी का स्क्वायर, टू इंटू बीडी स्क्वायर मतलब आठ स्क्वायर, प्लस इसका आधा होता है तो इसका आधा है एच बाय तीन का होल स्क्वायर, एच बाय तीन का होल स्क्वायर। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात हम यहां पर देखेंगे दूसरे ट्रायंगल की ओर, थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसमें कि ये एक मीडियन बन गया है। ठीक है, कौन से ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल बी डी सी, इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ये बी डी बी ई जो है इस ट्रायंगल सी डी सी के मिड पॉइंट में, इस साइड डी सी के मिड पॉइंट पर ई पर जाकर टच हो रहा है। मतलब बी ई जो है एक मीडियन का काम कर रहा है, तो आप बेस का स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आठ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू, अब इस मीडियन की लंबाई आ जाएगी जो कि है सात, सेवन स्क्वायर प्लस एच बाय थ्री का होल स्क्वायर बराबर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, एच निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारे पास ये भी तो वैल्यू है ना कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर है, तो इसलिए ये चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है। यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर इन दोनों को जोड़ दूं तो आठ का स्क्वायर अलग और ये आपका सेवन स्क्वायर, ठीक है, तो एट स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर आएगा, प्लस इन दोनों को जोड़ने पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। इस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम जानते हैं इसका वैल्यू एच स्क्वायर होता है, तो मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूं, एच स्क्वायर लिख सकता हूं। ये स्टेप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहां पर एच स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। इज इक्वल टू, अब देखिए यहां टू इसमें भी मल्टीप्लाइड है, टू इसमें भी मल्टीप्लाइड है, तो ट्वाइस ऑफ एट स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर आ जाएगा यहां पर। ठीक है, प्लस ये एच बाय थ्री और एच बाय थ्री मतलब एच स्क्वायर बाय नाइन है ये, और दो इसमें भी मल्टीप्लाइड है, दो इसमें भी, मतलब टोटल चार बार हो जाएगा ये, फोर टाइम्स। ठीक, अब क्योंकि यहां एट स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर है, यहां टू इंटू एट स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर है, तो जब आप इसको वहां भेजेंगे तो एक बार ये कट हो जाएगा, तो मैं इस टू को हटा देता हूं। साथ में फोर एच स्क्वायर बाय नाइन है, इसको उठा के हम दूसरे तरफ ले आते हैं तो माइनस होगा, इसमें माइनस ऑफ फोर एच स्क्वायर बाय नाइन होगा और ये दोनों इक्वल होंगे। अब माइनस करने का मतलब ये बन जाएगा फाइव एच स्क्वायर बाय नाइन, कितना हो जाएगा, बन जाएगा फाइव एच स्क्वायर बाय नाइन। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, सिक्सटी फोर प्लस फोर्टी नाइन, ये बन जाएगा तेरह, एक सौ तेरह। ठीक है, एक सौ तेरह वैल्यू आ रहा है, 113। ठीक है, अब अगर स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने पर एक्चुअली ये 5 बाय 9 को दूसरे तरफ ही भेज देते हैं, तो 9 बाय 5 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट लोगे तो सिंपल है, इसका स्क्वायर रूट लेने पर ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 तो बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आकर लेते हैं जो कि 9 का स्क्वायर रूट है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 113 बाय 5 जो है वो अंदर रहेगा, तो ए जो है सवाल का सही उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, थेल्स थ्योरम, जिसको कि हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको नोट डाउन करिए।
बहुत इम्पॉर्टेंट है और एसएससी के पैटर्न में इतना आसान है ये, फिर भी इसमें बार बार सवाल पूछा जाता है और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर थ्योरम्स में बात करूँ तो इस थ्योरम के ऊपर एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा क्या होता है। चलिए पहले समझ लेते हैं। अब ये है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी जिसे हम कहते हैं, या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। समझिए इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, इट कट्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देन ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। चलिए अगर समझ में नहीं आया तो घबराइए मत, मैं यहां समझाऊंगा आप लोग को। यहां दिया हुआ है इस ट्रायंगल में कि जो डी ई है ये पैरेलल है किसके, तो बी सी के पैरेलल है। डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है एबीसी, इस ट्रायंगल में जो डीई लाइन है ये डीई लाइन है, ये पैरेलल है किसके, बीसी के। तो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। थ्योरम ये कहता है कि आप कभी भी किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन इस तरीके से पैरेलल बना दे किसी भी साइड के, तो बाकी दो साइड्स को जिस रेशियो में काटता है वो प्रपोर्शन में होते हैं। मतलब एडी और डीबी का जो रेशियो है वो प्रपोर्शन में रहेगा एई और ईसी के साथ। तो एडी बाय डीबी जो है वो एई बाय ईसी होता है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। एक्चुअली इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स को भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर हमने जो लाइंस एंगल्स ज्योमेट्री के पहले वीडियो में हमने जो चीज डिस्कस की थी उसके तहत भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ एक पैरेलल लाइन बना दूं तो जिस रेशियो में एक ट्रांसवर्सल कटता है उसी रेशियो में दूसरे ट्रांसवर्सल भी कटते हैं। ये बात हमने लाइंस और एंगल्स में भी डिस्कस किया था, बट आप इसको सिमिलैरिटी से भी प्रूफ कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल भी बराबर होगा। कभी भी किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, उसके तहत सारे जो रेशियोज हैं वो इक्वल रेशियोज में रहते हैं। तो साथ में AD और AB का रेशियो वैसा ही रहेगा, AE बाय AC का रेशियो वैसा ही रहेगा, DE बाय BC का रेशियो। ये चीज हम आने वाले वीडियो में समझेंगे, अभी के लिए आप थेल्स थ्योरम को समझिए जो कि सिमिलर ट्रायंगल्स के जैसा ही है, ठीक है। बस ये समझना है कि किसी भी एक साइड के पैरेलल यानी कि समांतर आप एक रेखा बना दें तो बाकी दोनों साइड्स को जिस रेशियो में काटेगा वो दोनों रेशियो सेम होते हैं, वो समानुपाती होते हैं। यही कहता है AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। यहां तक समझ गए, तो ये है भाई थेल्स थ्योरम। इस थेल्स थ्योरम को समझिए, यहां पर दिया हुआ एक ट्रायंगल ABC है जिसमें D और E आर रिस्पेक्टिवली लाइंग ऑन पॉइंट्स lying on the side AB and AC such that DE is parallel to BC। ट्रायंगल नहीं बना है तो पहले बनाना होगा, तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं यहां पर ABC। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है D और E जो है AB और AC पर इस तरीके से है कि ये जो DE बना, ये जो DE बन के आया ये पैरेलल आया किस पर, किसके, तो BC के पैरेलल निकल के आया। यहां तक समझ में आ गई बातें। अब कुछ चीजें दी हुई है कि AD का लेंथ है 6 सेंटीमीटर और DB का लेंथ है 12x माइनस 6 सेंटीमीटर, AE का लेंथ है 2x सेंटीमीटर और EC का लेंथ है यहां पर 16 माइनस 2x सेंटीमीटर। तो आपको यह समझना होगा कि x का वैल्यू निकालने को कहा गया, तो डायरेक्टली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर लीजिए कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो बाकी दोनों साइड जिस रेशियो में कटेंगे वो सेम होगा। मतलब AD बाय DB, AD बाय DB बराबर है AE बाय EC के, ठीक है। तो AD क्या है, 6 है, ये है 12x माइनस का 6, ये है 2x डिवाइडेड बाय 16 माइनस 2x। तो अगर मैं यहां से 6 को कॉमन निकाल लूं तो बन जाएगा 2x माइनस 1, करेक्ट, 2x माइनस 1 और यहां 6 बाहर आ गया। यहां से अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूं तो ये x बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 और दो बाहर आ जाएगा इस तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि जो दो और ये दो कट गए, छः और ये छः कट गया, सॉल्व करेंगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 8 माइनस एक्स एक तरफ आ गया और ये जो x है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x आ जाएगा। अब ये x और ये x कट गया, मतलब कुल मिला के यही मिल रहा है कि 2x स्क्वायर बराबर 8 है, 8 को दो काटेगा चार बार तो x बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। x का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एसएससी में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी दो पैरेलल लाइन दिखा डायरेक्टली यहां जो अनुपात आपको है वो सेम हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गई बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पे दिया हुआ है एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई आर पॉइंट्स ऑन एबीएसी सच दैट एबी बाय एसी एबी इंटू एसी इज इक्वल टू एबी इंटू ए, और एक ट्रायंगल दिया हुआ है एडीई जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है एसीबी का 30 डिग्री से ज्यादा, और साथ में एबीसी एंगल का वैल्यू 78 है, तो एंगल ए का वैल्यू क्या है बताना है। देखिए ये है भाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखा हमने, इसका कन्वर्स मतलब इसका रिवर्स भी सही होता है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप लिखेंगे, इफ एबीसी ट्रायंगल में डी ई दो पॉइंट इस प्रकार होते हैं कि एबी और एसी में क्रमशः इस प्रकार है कि एडी बाय डीबी बराबर एई बाय एसी है, तो हम ये कह लेंगे ये इक्वल टू वन नहीं होगा कि डी ई इज इक्वल टू बी डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। अब ये हम यहां पर उल्टा कह रहे हैं, मतलब पिछले वाले में हमने जो बात की उसका उल्टा, यहां हम कह रहे हैं कि डी पॉइंट है एबी पर ई पॉइंट है एसी पर सच दैट इस प्रकार है कि एडी बाय डीबी बराबर एई बाय एसी है, अगर ये रेशियो दोनों के सेम है तब क्या होता है, तब डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाता है। देखिए पिछले वाले में कंडीशन ये दिया था और रिजल्ट ये दिया था, इस वाले में रिजल्ट जो था वो कंडीशन बन गया और जो कंडीशन दिया था वो रिजल्ट बन गया, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम का उल्टा, मतलब जो चीज रिजल्ट में था वो आगे आपके गिवन कंडीशन में और जो चीज गिवन कंडीशन में था वो आगे आपके रिजल्ट में, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अब इसी कन्वर्स के तहत यहां पर इस चीज को आप समझेंगे, जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में कन्वर्स यूज होगा एबीसी ट्रायंगल में, इसमें बोला गया है कि डी और बी जो है इस प्रकार है, यहां पर डी यहां पर है बी ई यहां पर है, इस प्रकार है कि एडी मल्टीप्लाइड बाय एसी, एडी मल्टीप्लाइड बाय एसी बराबर किसके है एबी मल्टीप्लाइड बाय एई के, तो मैं क्या करूंगा इस एबी को उठा के यहां भेज देते हैं, इस एसी को उठा के यहां भेज देते, तो एडी बाय एबी, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं उल्टा, ठीक है इस वाले को इधर भेज दीजिए और इस वाले को ए बी इंटू ए ई है ना, ये ए ई है, इस वाले को यहां पर भेज दीजिए, ठीक है तो ये बन जाएगा ए सी बाय ए ई इज इक्वल टू ए बी बाय ए डी। अगर मैं दोनों तरफ माइनस वन करूं तो माइनस वन करने पर यही आ जाएगा कि ए बी में से ए ई माइनस होगा तो यहां ऊपर, ए सी में से ए ई माइनस होगा तो यहां पर ए सी बन जाएगा वैल्यू ऊपर वाला, और साथ में ए बी माइनस ए डी बाई ए डी होगा तो ए बी माइनस ए डी क्या होता है, ए बी माइनस ए डी होता है डी बी, तो आप देख रहे हैं यहां पर वही रिजल्ट दिया है जो कि कन्वर्स है, ठीक है। अब यहां से अगर कन्वर्स ये दिया हुआ है तो सिंपल चीज है, आपको डायरेक्टली ये समझना होगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ए डी बाय डी बी बराबर ए ई बाय ई सी दे, क्योंकि जो चीजें दी हुई है आप यहां पर इसको ऐसा देख सकते हैं, यहां ए डी है AD by AB ये दिया हुआ है इज इक्वल टू AE by AC दिया हुआ है, तो AD कहां पर है ये है और AB यहां पर है, AE ये है और AC ये है, अगर ये कंडीशन भी दिया है कि AB by AD by AB और AE by AC का रेशियो सेम है तो भी आप मान सकते हैं कि DE पैरेलल होगा BC, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये इसका रेशियो सेम होता है तो AD by DB इज इक्वल टू AE by AC भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो हमको ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दिया हुआ था तो इससे हमें समझ में आ गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बाकी कंडीशन समझते हैं क्या दिया है। सबसे पहले एंगल, ये वाला एंगल दिया हुआ है 78 डिग्री, एबीसी एंगल को 78 डिग्री मान लेते हैं। दूसरी बात दी हुई है कि ए सी बी एंगल प्लस 30 डिग्री बराबर ए डी ई है, तो ए डी ई जो ये वाला एंगल दिया हुआ है इस एंगल के बारे में दिया है जो एसीबी एंगल है प्लस 30 डिग्री है, तो अगर एसीबी एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूं, ठीक है, अगर इसको मैंने थीटा मान लिया तो थीटा प्लस 30 डिग्री ये वाला वैल्यू हो जाएगा थीटा प्लस 30 डिग्री, क्लियर। अब हमने ये तो समझ ही लिया कि ये पैरेलल है लाइन, ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल के जैसा काम कर रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से संलग्न कोण से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो 78 डिग्री मतलब थीटा प्लस 30 डिग्री जो है ये बराबर 78 डिग्री के होगा, मतलब थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस 30 को दूसरे तरफ भेजोगे तो 48 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। तो ये जो है 48 डिग्री बन गया, यहां तक क्लियर। अब फाइंड क्या करना था, एंगल ए फाइंड करना था, तो क्या किसी ट्रायंगल के दो एंगल हमारे हमको दे दिया जाए तो तीसरा एंगल हम फाइंड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि तीनों
एंगल्स का जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल में, तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो आप यहां पर इन दोनों को जोड़ लीजिए, 78 डिग्री को और 48 डिग्री को, दोनों को जोड़ने पर यहां पर 16 और ये बन जाएगा 126 डिग्री। अगर मैं 180 डिग्री में से 126 डिग्री को माइनस करूं तो यहां पर आ जाएगा 4, ये 7 बन जाएगा, 7 में से 2 गैर तो 54 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो 54 डिग्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, एक त्रिभुज भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी त्रिभुज तथा पुनः इसमें बने त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर बने त्रिभुज तथा वास्तविक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है बताना है। तो देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे हम बढ़ेंगे, कन्वर्स ऑफ जो हमने देखा अभी थेल्स थ्योरम के एक स्टेप और आगे। देखिए, सबसे पहली बात, यहां पर यदि ये जो D और E है ये मिड पॉइंट बन जाए, क्या बन जाए, मिड पॉइंट बन जाए, कन्वर्स ऑफ इसके यानी कि थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से ही बनता है मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो D और E है ये मिड पॉइंट बन जाते हैं AB और AC के। अगर ये मिड पॉइंट बन गया मतलब कि जितना लेंथ इसका उतना लेंथ इसका, यानी AD बाय DB जो है ये बन गया 1 बराबर, साथ में AE बाय EC बन गया ये भी बन गया 1 करेक्ट। तो जितना यहां पर इसका रेशियो है उतना यहां पर इसका भी रेशियो है, तो ये DB, ठीक है, मतलब कहने का मतलब AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC तो है ही है, साथ में D और E क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो पहला वाला रिजल्ट जो हम सीख रहे थे कि DE पैरेलल होगा BC के, ये तो होना ही होगा, साथ में DE जो है वो BC का आधा हो जाएगा क्योंकि DE क्या है, BC का आधा है, मतलब AE बाय AC की अगर मैं बात करूं तो AE AC का आधा होगा क्योंकि मिड पॉइंट है। उसी प्रकार AD क्या होगा, AB का आधा होगा। उसी प्रकार सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जब हम लगाएंगे, जो कि अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा DE जो है वो BC का आधा हो जाएगा। अभी आप इसको नोट डाउन करके रखिए, जब भी हम कोई दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं, जब भी हम किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को यानी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ देते हैं, तो ये जो लाइन बन के आता है ये तीसरे लाइन के साथ यानी तीसरे साइड के साथ समानांतर यानी कि पैरेलल होने के साथ साथ इस तीसरे साइड का आधा भी होता है। यही आपका मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि ये DE BC के पैरेलल भी होगा और DE जो है आधा भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए पिछले वाले में हमने ऑलरेडी सीखा था कि ये दोनों पैरेलल है। तो अगर यहां पर हम एक कंडीशन ऐसा डाल दें, ठीक है, नेक्स्ट वाले का कंडीशन है, इस तरीके से कंडीशन डाल दें कि ये इक्वल टू वन हो गया, एक कंडीशन हमने डाल दिया कि ये इज इक्वल टू वन हो गया, ऐसा करने पर मिड पॉइंट थ्योरम बन जाता है कि ये इसका आधा होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से इसी को समझते हैं, इस सवाल को क्या दिया हुआ है कि यहां दिया हुआ है, अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल एंड अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड अगेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। तो पहले तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना था एबीसी, इसका हमने क्या किया, एबीसी का मिड पॉइंट लिया यहां से, यहां से और यहां से, इसके मिड पॉइंट को जोड़ा तो एक दूसरा ट्रायंगल बना पीक्यूआर, इसके भी मिड पॉइंट को लगाया मिलाया तो यहां से तीन ट्रायंगल और बन गए, एक मिड पॉइंट ये, एक पॉइंट मिड पॉइंट ये, एक मिड पॉइंट, तीसरा ट्रायंगल बन गया इस तरीके से एक्स वाई और जेड। सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो ट्रायंगल है एक्स वाई जेड और जो ट्रायंगल है पीक्यूआर एबीसी सॉरी, इसके एरिया का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहली बात तो साइड की कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो ये वाले का लेंथ आधा सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, जो आपके आर क्यू का लेंथ है, और एक्स वाई वाई जेड का लेंथ इसका भी आधा हो जाएगा यानी 1/4 हो जाएगा, करेक्ट। तो साइड 1/4 हो गया, वैसे ही जो एसी लेंथ है इसका 1/4 हो जाएगा ये, और वैसे ही जो एबी लेंथ है इसका 1/4 हो जाएगा एक्स वाई। तो साइड जो है वो 1/4 1/4 होता जा रहा है और एरिया जो होता है वो तो साइड स्क्वायर्स के टर्म्स में चलता है, तो यहां पर एक्चुअली जो एरिया बनेगा वो 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहां पे 1/16 हो जाएगा, ठीक है, 1/16 हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम के तहत हम इसको निकाल सकते हैं क्योंकि एरिया साइड जो है वो आधे का आधा हो गया मतलब 1/4 हो गया, तो एरिया जो है 1/16 हो जाएगा जो कि इसका स्क्वायर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां दिया हुआ एंगल बी 80 डिग्री है, एंगल सी 45 डिग्री है, एडी परपेंडिकुलर है साइड बीसी के विच मीट्स एट पॉइंट बीसी एट डी, ठीक है, और एई जो है वो एंगल बाइसेक्टर एंगल बीएसी का, तो आपको डी एई का वैल्यू निकालना है। देखिए
जब भी आपको ऑल्टीट्यूड और एंगल बायसेक्टर के बीच का एंगल निकालने को कहा जाए, जिस साइड से जिस एंगल से निकला है वहां से ए से, और बाकी दोनों एंगल्स आपको दिया हुआ है बी और सी, तो डायरेक्टली इसका शॉर्ट ट्रिक होता है एंगल बी माइनस एंगल सी बाय टू। इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, क्या होता है भाई 80 डिग्री माइनस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय टू, मतलब ये 35 बाय दो होगा, 35 बाय दो मतलब कितना 17.5 डिग्री, ठीक है 17.5 सी जो है सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, तो कुछ ऐसे थ्योरम्स तो नहीं है मैं कहूंगा इसको, लेकिन कुछ ऐसे रिजल्ट्स आप बना के रख सकते हैं जो ट्रायंगल्स में बार बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आने से आप तुरंत विद इन सेकेंड्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं डायग्राम बना के थोड़ा और अच्छे से आपको समझा देता हूं कि क्या हो रहा है। यहां पर एंगल बी जो है 80 डिग्री है तो थोड़ा बड़ा रहेगा, एंगल सी 45 है तो थोड़ा छोटा रहेगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा ए बी सी का, ये आपका 80 डिग्री दिया हुआ है और ये आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि एडी परपेंडिकुलर है। देखिए परपेंडिकुलर जो होता है ना वो हमेशा जो बड़ी एंगल है उसके पास आता है, मतलब जो लंब आप बनाएंगे वो हमेशा बी के पास रहेगा क्योंकि बी बड़ा एंगल है, ये परपेंडिकुलर है। साथ में हम क्या कर रहे हैं, एई एंगल बायसेक्टर है बीएसी का, तो बीएसी का एंगल बायसेक्टर हमने बना दिया एई, ये एई है। तो रिजल्ट ये कहता है कि एंगल बायसेक्टर और परपेंडिकुलर, एंगल बायसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल है ये डी दिया हुआ था आपको, एंगल डी ए ई। इस एंगल डी ए ई का वैल्यू हमेशा क्या होता है, एंगल बी ठीक है माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाय टू होता है। ठीक है, कैसे आया इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आप जानते हैं ये ट्रायंगल को देखिएगा, ट्रायंगल बी ए डी को, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल बी। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे क्योंकि अगर ये 90 है ये बी है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस बी होगा। साथ में अगर मैं बात करूं यहां से जो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है ये 45 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो है ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल बन जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस सी, 90 डिग्री माइनस सी। तो चाहे आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप कैलकुलेट करिए। देखिए जैसे कि मुझे ये समझ में आता है कि ये एंगल बी जो है सी जो है ये पूरा का पूरा एंगल, और ये जो छोटा सा एंगल है ये एंगल ए बाय टू होगा। तो अगर मुझे डी डी ए ई चाहिए तो दो तरीके हैं, या तो आप एंगल 90 डिग्री माइनस सी में से ए बाय टू माइनस कर दीजिए तो भी आ जाएगा, ठीक है क्योंकि एंगल डी ए ई मुझे चाहिए, तो डी ए ई क्या होगा, डी ए ई हो जाएगा पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल सी और माइनस ए बाय टू, ऐसा लिख सकते हैं इसको, बराबर ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप इसको ऐसा लिखिए कि एंगल बी ए डी में आप एंगल ए बाय टू, यानी कि पूरा का पूरा एंगल ए बाय टू में इसको माइनस करके भी आप लिख सकते हैं, डी ए आ जाएगा, दोनों तरीके। अब देखिए ये जो 90 डिग्री है इसको क्या लिखे, देखिए मुझे ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है ये 180 डिग्री होता है कि नहीं, तो मैं इसका आधा करूंगा तो 90 बन जाएगा ना, तो इस 90 डिग्री के जगह पे, ये 90 डिग्री के जगह पे मैं क्या करूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का आधा लिख दूंगा। तो इसका वैल्यू बहुत सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं कि एंगल डी ए ई का वैल्यू जो है वो क्या है, आप लिख सकते हैं एंगल ए बाय टू प्लस एंगल बी बाय टू प्लस एंगल सी बाय टू, ठीक है, और ये है किसके बराबर, एंगल डी ए ई के बराबर। तो अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ए बाय टू यहां पर था, ये ए बाय टू यहां पर था, कैंसिल हो गया, ये b बाय टू यहां पर है और c बाय टू माइनस सी करोगे तो माइनस सी बाय टू आएगा, मतलब एंगल b माइनस एंगल c बाय टू इसका रिजल्ट होता है। तो कभी भी आपको परपेंडिकुलर बोला जाए और एंगल बायसेक्टर बोला जाए, इसके बीच का एंगल निकालने को कहा जाए, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली आप एंगल b माइनस एंगल c कर लेना, डिवाइडेड बाय टू कर लेना, जो वैल्यू आएगा वो इसके बीच का एंगल होगा। हर बार इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट आप याद करके रखिए। तो ये कुछ ऐसे रिजल्ट है जिस थ्योरम का नाम नहीं है लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और इसका शॉर्ट ट्रिक बनाना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यहां दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में क्यू बड़ा है आर से, तो ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा, पी क्यू आर, क्यू बड़ा है आर से, फिर बोल रहा है पीटी जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो ये टी बन गया यहां पर परपेंडिकुलर। साथ में बोल रहा है एस पी टी क्या है, ठीक है, और पी एस जो है कोण पी का समद्विभाजक है, तो पी एस कुछ ऐसा आ जाएगा, समद्विभाजक है। अब यहां पर एस पी टी जो है, एस पी टी मतलब ये वाला एंगल 28 डिग्री दिया हुआ है आपको,
और साथ में दिया हुआ एंगल आर बराबर 23 डिग्री। हमेशा एक बात याद रखना, परपेंडिकुलर हमेशा उस एंगल के पास बनता है जो एंगल बड़ा होता है। एंगल क्यों बड़ा था, तो परपेंडिकुलर इसके पास रहेगा। अब जब 28 डिग्री यानी कि देखिए एंगल SPT दिया है ना, SPT बराबर हो जाएगा एंगल क्यू माइनस एंगल आर डिवाइडेड बाय, तो SPT कितना है 28 डिग्री है, 28 डिग्री। एंगल क्यू आपको निकालना है, एंगल आर का वैल्यू 23 डिग्री है और यहां पर 2 था तो इस 2 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दे, तो 56 डिग्री यहां बन गया। 23 को दूसरी तरफ ले आते हैं तो 23 जुड़ जाएगा एंगल क्यू में के लिए, तो यहां पर बन जाएगा 79 डिग्री जो है, ये आपके एंगल क्यू का वैल्यू आ जाएगा 79। तो बी जो है सवाल का सही उत्तर है। आशा करता हूं यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आई होगी कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया हुआ है ट्रायंगल ABC एंगल B 72 है, सी जो है 44 डिग्री है। BC इज प्रोड्यूस टू डी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल ACD मीट एट ई, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। देखिए इस रिजल्ट को भी आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल रिजल्ट है, इसको आप याद रखना। कभी भी कोई ट्रायंगल बनता है ठीक है, इस ट्रायंगल का ही वैल्यूज को लेकर कर लेते हैं। ABC दिया हुआ है ठीक है, इसको हमने प्रोड्यूस किया डी तक। अब कह क्या रहा है कि इसका एंगल बाइसेक्टर, किसका एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल ए का बाइसेक्टर, इसके एंगल बाइसेक्टर है ये, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। साथ में जो एक्सटीरियर एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर, तो ये कुछ इस तरीके से मीट होंगे। ये जो कोण बन के आता है ठीक है, इसको मैं क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं BEC, ई मान लेते हैं इसको ठीक है। ये जो एंगल होता है, ये समझना होगा आपको, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल BEC जो होता है, एंगल BEC ये होता है एंगल ए का आधा ठीक है। तो इस रिजल्ट को भी आप याद रखिए, तुरंत आपका आंसर निकल जाना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन में, विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए। आपको क्या, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ कर देता हूं यहां पर कैसे आया। देखिए सबसे पहली बात, ये B/2 होगा एंगल, ये एंगल भी B/2 होगा, और अगर ये एंगल सी है, ये पूरा का पूरा एंगल बाहर वाला 180 डिग्री माइनस ऑफ सी होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री माइनस C/2 होगा, और ये वाला जो कोण है ये भी 90 डिग्री माइनस C/2 होगा, ये एंगल सी हो जाएगा। बराबर, यहां तक समझ में आ गया। चलिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में एक एंगल B/2 है, एक एंगल ये वाला पूरा है जो कि C प्लस 90 डिग्री माइनस C/2 है, और एक एंगल BEC है। इन तीनों का सम, एंगल BEC प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल C/2 बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 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 180 डिग्री के बराबर होता है। अब थोड़ा सा आप सोचिए चीजों को, 90 डिग्री को दूसरे तरफ भेज देते हैं तो ये 90 डिग्री जो है इस 180 डिग्री को माइनस करेगा, तो यहां पर 90 डिग्री बचेगा। साथ में ये C/2 है माइनस C/2, इन दोनों को माइनस करने पर ये बन जाएगा एंगल C/2। 90 डिग्री को अभी अभी हमने देखा था, इस तरीके से लिखा जा सकता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का आधा। तो मैं क्या करूंगा, इस 90 डिग्री को तोड़ के लिख लेते हैं, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 ठीक है। तो यहां से आपका B/2 C/2 कट गया, B/2 C/2 कट गया, तो एंगल BEC क्या होगा, डायरेक्टली आपके एंगल A का आधा हो जाएगा। इस रिजल्ट को आप बढ़िया से बना के रखिए, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और दूसरे एंगल के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को जब हम जोड़ देते हैं तो तीसरे एंगल का आधा बन जाता है। यहां पर बात समझ भाई, पहले एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और दूसरे एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलेगा वो तीसरे एंगल का आधा बनाएगा यहां पर, मतलब ये जो BEC एंगल है एंगल ए का आधा बनेगा। तो डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट यूज करना है ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई समझाने की कि ऐसा क्यों होता है। अब डायरेक्ट रिजल्ट जब बताना है तो समझिए क्या चीजें दी हुई थी आपको ठीक है। इन सब चीजों को मैं हटा देता हूं, आपको बस BEC निकालना था ना, तो यहां से बस इतना ही आपको पेन चलाना है कि समझिएगा एंगल बी जो है 72 है, ये पूरा 72 डिग्री बन गया ठीक। और साथ में एंगल सी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 44 डिग्री, तो ये वाला आपका 44 डिग्री हो गया। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 6 बन जाएगा, 4 प्लस 7 होता है 11, 116 डिग्री। अगर मैं 180 से माइनस करूं तो मेरे पास एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ABC का सम हमेशा 180 होता है, एक 72 एक 44 हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो यहां पर 116 डिग्री बन रहा था, माइनस करोगे तो 4 यहां पे 7 में से एक गया तो 64, ये 64 डिग्री बन गया। 64 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहां पर 32 डिग्री आएगा, 32 डिग्री, यही इसका आंसर है, इसका एंगल 32 डिग्री बनेगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए
अब देखिए यहां पर इस सवाल को कैसे करें, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है ये 105 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, ठीक है, 105 डिग्री है, एक 130 डिग्री है। तो देखिए अगर ये 105 है, 130 है, तो पहले तो आप एंगल ए निकाल दीजिए। सबसे पहली बात, गिवन फिगर में इंटीरियर एंगल बायसेक्टर एसीबी का, ये इंटीरियर एंगल बायसेक्टर एसीबी का मिल रहा है यहां पर, और एबीसी का एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर एबीसी का यहां पर डी पॉइंट पे मिल रहा है, तो बीडीसी फाइंड करना है, जो कि एंगल ए का आधा होता है, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल और दूसरा एक्सटीरियर एंगल दोनों दिया है, इसके दो तरीके हैं। जो 105 प्लस 130 जो होता है, 105 प्लस 130 जो होता है, ये एक्चुअली 180 डिग्री प्लस एंगल ए होता है। इसका भी आप नोट बना के रखना कि कभी भी जो दो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसका जो सम होता है वो तीसरे वाले एंगल प्लस 180 डिग्री के बराबर होता है, ऐसा आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप इसमें एंगल ए निकालना चाहते हैं तो ये दोनों का सम हो गया 235 डिग्री, ठीक है, और यहां 180 डिग्री, इसका माइनस करेंगे तो एंगल ए निकल जाएगा, मतलब एंगल ए का वैल्यू है 55 डिग्री। एक तरीका है कि इसका वैल्यू 55 डिग्री आ गया तो इसका एंगल जो है 27.5 डिग्री होगा, ये हम जानते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो इंटीरियर एंगल है इसका वैल्यू क्या होगा, 130 यहां पर है, लीनियर पेयर बनता है, तो इंटीरियर एंगल 180 माइनस 130 होगा, मतलब 50 डिग्री। और आप लोग ये बात जानते हैं कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, तो एंगल ए निकालने की बारी आएगी तो 105 माइनस 50 डिग्री कर लीजिए तो 55 डिग्री, ये आपका इंटीरियर एंगल होगा। एक बार एंगल ए निकल गया तो एक इंटीरियर एंगल का बायसेक्टर, दूसरा एक्सटीरियर एंगल का बायसेक्टर जहां मिल रहा है वो डी पॉइंट। आपसे बीडीसी पूछ रहा था तो 55 का आधा कर दीजिए, 27.5 जो है यही सही उत्तर हो जाएगा इसका, बी, क्लियर। चलिए एक आखिरी सवाल देखेंगे इस वीडियो का। यहां पर आपको थीटा का मान निकालना है, गिवन दैट ए एफ इज द एंगल बायसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, साथ में सी डी इज द एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर ऑफ बी सी ए, तो सी डी एफ, सी डी जो है एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर है इसका, बी सी ए का, तो बताना है थीटा का मान क्या है। देखिए अगर आप यहां से इसको एक्सटेंड करें, पूरा फिगर इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फिगर अधूरा है, इसको मैं यहां से एक्सटेंड कर दूं, इसको भी यहां से एक्सटेंड कर दूं, तो ये यहां पे जाके मिलेंगे। बात कुछ ऐसी है कि यहां थीटा बना तो ये थीटा बाय 2 बनता है, ये हम भली बात ही जानते हैं, करेक्ट। और अगर यहां पर थीटा बना तो ये अंदर वाला कोण भी थीटा बनेगा, और एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, तो ये जो ट्रायंगल बना इसमें ऑपोजिट इंटीरियर में एक थीटा दूसरा थीटा बाय 2 है, दोनों को जोड़ लेते हैं, थीटा प्लस थीटा बाय 2, ये 60 डिग्री के बराबर होगा, तो 3 थीटा बाय 2 बराबर 60 डिग्री है, तो थीटा जो होगा ये 3 से काटोगे तो 20 आ रहा है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो 40 डिग्री यहां पर आंसर बन जाएगा, ठीक है, तो 40 डिग्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। चलिए अब मैं यहां पर इस वीडियो को रोकता हूं। तो जैसे हम मैंने आपको बताया था शुरुआती तौर पे थ्योरम्स हम कवर करेंगे, ना सिर्फ हमने थ्योरम्स कवर किया बट कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी हमने यहां पर कवर किए हैं जिसका कोई थ्योरम नहीं है बट कुछ रिजल्ट्स हैं ये जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हीं कुछ बातों के साथ अब मैं इस वीडियो को रोकता हूं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, हमारा मोटिवेशन और हाई हो जाता है कि हम आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।